सो टाकू, आज हम बात करेंगे डिटेक्टिव कोनन के इंडिया के फ्यूचर के बारे में। ईटीवी बाल भारत यार चाहता क्या है डिटेक्टिव कोनन से, मुझे यार समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ईटीवी बाल भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक तो पहले ही इंडिया में फैंस कम है, वैसा नहीं है ना यार जैसे जेजे के हैं, डेमन स्लेयर के हैं, डीबीजेड के हैं टाइप से, इतनी ह्यूज ऑडियंस आपके पास पहले ही नहीं है। और फिर आपके इस टाइप के स्टेप की 10 से 12 आएगा नाइट में शो, अब यार इतनी रात में मतलब कैसे देख पाएगी ऑडियंस। वैसे भी डिटेक्टिव कोनन की इंडिया में आधे से ज्यादा जो ऑडियंस वो किड्स हैं, तो यार उनके पेरेंट्स नहीं देखने देते हैं ना। फिर बोलेंगे ईटीवी बाल भारत की यार हमको टीआरपी नहीं मिल रही है। अब मुझे समझाओ आपको टीआरपी मिलेगी कैसे। और ना यार ये लोग मूवी इंडिया में लाने के लिए कुछ एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, पॉपुलर ऐसा नहीं होगा ना बॉस। वैसे भी इंडिया में पहले जैसा नहीं रहा एनिमे का सीन, अब लोगों को इजी वे में एनिमे देखने को मिल रहा है। अब ना एनिमे को लेकर इंडिया में लोग वैसे ही हो गए हैं जैसे सलमान खान को लेकर थे एक टाइम पर, ये हमारा फेवरेट है उसके बारे में कुछ बोलना मत और अब हम इसी को देखेंगे। यार ये इंडिया की मेंटेलिटी है यार, जे जे के फैन बुरा मत मानना। यही रीजन है जिसकी वजह से बाहर की कंट्री अच्छा काम को अप्रिशिएट करते हैं और हम नहीं कर पाते। या फिर एक एपिसोड देखेंगे और उसके बारे में अपने मन में पहले से ही थिंक कर लेंगे कि वो ऐसा ही होगा पूरा एनिमे। मैं मानता हूँ ईटीवी बाल भारत अपने लेवल पर काफी अच्छा कर रहा है, मूवीज डब कर दी, इतने सारे एपिसोड डब किए, काफी सही है। बट बॉस आगे क्या, मूवी थिएटर में लेकर आनी पड़ेगी ना, तभी तो पॉपुलर होगा ये एनिमे इंडिया में। देखो यार लास्ट मोटिव तो यार मेरा भी यही है और ईटीवी बाल भारत का भी यही है और आप लोग ऑडियंस का भी यही है कि डिटेक्टिव कोनन ज्यादा पॉपुलर हो इंडिया में। बट यार उसके लिए स्टेप तो लेने पड़ेंगे ना। अब यार हिंदी डबिंग देखो आप, ईटीवी बाल भारत में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है यार। ईटीवी बाल भारत तेलुगु लैंग्वेज पे तो फिर भी ध्यान देता है, बट यार हिंदी पे तो यार मुझे लगता नहीं है वो इतना ध्यान देता है, बिकॉज कोनन का जो वॉइस एक्टर है वही बहुत सारे कैरेक्टर्स की वॉइस ओवर करते हैं यार, और वो क्लियर पता चलता है कि वो कोनन की वॉइस है। इस तरह से आप जेजे के, डेमन स्लेयर टाइप के एनिमे को यार बीट नहीं कर पाओगे ना, बीट तो छोड़ो उनके आसपास भी नहीं आ पाओगे। जब आपका एनिमे इतना ज्यादा हाइप नहीं होगा तो यार कोई से भी पीवीआर हो या फिर आईनॉक्स हो वो क्यों लेकर आएंगे आपकी मूवी को, उनका बिजनेस नहीं हो पाएगा ना यार उस लेवल का। और इस बिग रीजन की वजह से ही मूवी आने में काफी मुश्किल हो रही है। ईटीवी बाल भारत भैया यार बस न्यू एपिसोड अपलोड करने से यार मूवीज डब करने की से कुछ नहीं होगा यार, थोड़ा प्रमोट भी तो करना पड़ेगा ना यार एनिमे, तभी तो थिएटर में मूवी आने के चांसेस इंक्रीज होंगे यार। देखो यार मैं कोई हेटर नहीं हूँ, ईटीवी बाल भारत का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कि यार वो लोग मेरे फेवरेट एनिमे को लेकर आए हैं वापस। बस मैं यही चाहता हूँ उनसे कि यार थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगाए तो उससे यार ये पॉपुलर हो जाएगा एनिमे, जिससे मूवी इंडिया में रिलीज होगी, बिकॉज मूवी बहुत ही तगड़ी है, ब्लॉकबस्टर है जापान में। तो यार आप लोग रिकॉर्ड्स देखो यार, ये इंडिया में आएगी तो क्या धमाका नहीं करेगी। चलो एक बार के लिए मान लिया कि नहीं कर पाएगी, तो यार कम से कम उसकी हाइप तो बनेगी इस एनिमे की, लोग जानेंगे तो सही इसके बारे में, ईटीवी कोनन के न्यू फैंस बनेंगे, टीआरपी मिलेगी, बिजनेस बढ़ेगा। बट पता नहीं, मैं जानता हूँ कि ईटीवी बाल भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता यार, वो पीवीआर आईनॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट यार वो फोर्स तो कर सकते हैं, वो एक तरीके की हाइप तो बना सकते हैं। तो यार अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो यार माफ कर देना यार गाइस, बट यार मेरा फेवरेट एनिमे है तो उस वजह से यार मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। तो यार अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो यार प्लीज माफ कर देना, बट यार कोनन को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का यार। तो क्या आप लोग सपोर्ट करके इंडिया में रिलीज करवाओगे मूवी? अगर हाँ तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में वीडियो यार शेयर करो, डिटेक्टिव कोनन एनिमे के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर करो, बताओ लोगों को कि वो लोग किस एनिमे को मिस कर रहे हैं, वो लोग क्या मिस कर दिए उन्होंने। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भले ही ना करो, बट यार ये वीडियो डिटेक्टिव बाल भारत तक पहुंच जानी चाहिए, इतना ज्यादा शेयर करना यार, मेरे लिए भले ही ना करो पर कोनन के लिए ही सही। मिलता है नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।